है। आइए संजीदा होते हैं एक शायर से या एक शायरा से मुझे आपकी मुलाकात करानी है। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं जिनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर एक बड़े मासूम से चेहरे ने लोगों को बड़ा मुतासिर किया। उस कॉलेज की लड़की की शायरी सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगता था कि इस उम्र में इस लड़की को शायद अपनी मोहब्बत में जल्द ही ब्रेकअप का सामना करना पड़ा है, इसलिए इसकी शायरी में इतना कर्ब, इतना दर्द और इतना एहसास शामिल हो गया है। आज सीवान का ये मुशायरा, जहां शायरात की सरबराही जो है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा कर रही हैं, वहीं एक ऐसी आवाज इन शायरात की टोली में शामिल है जो आज सीवान में पहली बार इस मुशायरे में अपना कलाम सुनाएंगी। मैं बताना चाहता हूं दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां जहां उर्दू शायरी के चाहने वाले हैं वहां वहां इन दिनों हिंदुस्तान की इस अनोखी शायरा ने अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने खूबसूरत लहजे में करके लोगों को चौंकने पर मजबूर किया है। सीवान को हिमांशी बावरा किस तरह से चौंकाएंगी ये देखने वाली बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे हिमांशी बावरा का कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हमारी एक बहन है पीछे, वो खड़ी होके हिमांशी बावरा को देखना चाहती हैं। आपको थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ जाएगा, इसलिए कि आप खड़ी हो गई तब मुझे याद आया कि इस महफिल में हमारी कुछ बहनें और भी बैठी हुई हैं। अगर जाहिर है कि इतने सारे लोगों के मतलब की बातें मैंने सारी रात की हैं, अगर इन बहनों का ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मुझसे नाराज हो सकती है, इसलिए जाते जाते जल्दी से इनके मतलब की एक बात बता के हिमांशी बावरा को माइक पे बुला लूंगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं मुशायरों में कि अगर आपके शौहर खाने की टेबल पर है या दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अचानक आपसे अचार मांगने लगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। ये बात, इसमें कोई ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर खाना खाते खाते अचानक आपसे अचार मांगा जा रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी मान लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो आप बिल्कुल हिमांशी बावरा के मतलब के हो गए हैं। हिमांशी बावरा को माइक पर बुला रहा हूं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आज के मुशायरे में एक खूबसूरत खुशबू के तौर पर हिमांशी बावरा को आज के माइक पर बुला रहा हूं। मोहतरमा हिमांशी बावरा माइक। सबसे पहले तो साहिब और यहाँ बैठे तमाम मुझसे बड़े ही हैं और उनसे भी इजाजत। जॉनी भाई और हाशिम भाई से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे उनसे पहले पढ़ना था और मैं बाद में पढ़ रही हूँ। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। पहले और बाद में पढ़ने का कोई मसला नहीं है। आज के मुशायरे में मेरी निजामत का कोई रोल नहीं है। अमजद भाई ने निजामत करके मुझे बताया है कि किसको कब पढ़वाना है। जिसको निपटना हो अमजद भाई से मुशायरे के बाद निपट ले। जी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। जी दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। वाह 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 वाह। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। वाह। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। वाह वाह वाह।
ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। वाह 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 वाह। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, क्या कहना, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। वाह वाह वाह। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। आहा, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगी तेरी देखभाल। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगी तेरी देखभाल। उम्रे गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। वाह। और मैं अब तक पहुंच पा रही हूँ ना, शोर शराबे की मुझे ऐसी कुछ खास जरूरत भी नहीं है, आप शांति से बस सुनते रहें। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, फिर भी मैं छू नहीं सका, मेरा नसीब था। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, फिर भी मैं छू नहीं सका, मेरा नसीब था। अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई। वाह। अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, जब तू रकीब था तो जमाना रकीब था। वाह 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 वाह। अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, जब तू रकीब था तो जमाना रकीब था। तरके ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तरके ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तरके ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। वाह 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 वाह, शुक्रिया। वाह 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 वाह। तरके ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। भाई आपको वो रखना चाहिए था यहाँ पे, मेरे पांव अभी से कांप रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पांव कांपने का कोई मसला नहीं है, या आपने इतनी ऊंची हील पहन रखी है इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। मैंने माइक से ये लोगों को इसलिए बता दिया ताकि ये किसी गलतफहमी में ना आ जाए। आप कांप नहीं सकती हैं, लेकिन मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इस कम उम्र में आपको इतने सारे तजुर्बात हुए कैसे। बहुत अच्छा पढ़ रही है, वाह, जीती रहिए। कुछ देर में ही मुझसे बहुत दूर हो गया। वाह 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 वाह। कुछ देर में ही मुझसे बहुत दूर हो गया, वो एक शख्स जो मेरे सबसे करीब था। वाह 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 वाह। कुछ देर में ही मुझसे बहुत दूर हो गया, वो एक शख्स जो मेरे सबसे करीब था। आया हूँ खाली हाथ में बाजार इश्क से, आया हूँ खाली हाथ में बाजार इश्क से, आया हूँ खाली हाथ में बाजार इश्क से, यादें मिला नहीं सका, इतना गरीब था। वाह 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 वाह। आया हूँ खाली हाथ में बाजार इश्क से, बहुत अच्छा। वाह वाह। यादें मिला नहीं सका, इतना गरीब था। हाँ हिमांशी पढ़ो, तरुणों में पढ़ना चाहती हूँ, पढ़िए ना, पढ़िए। आप तरन्नुम में भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं ऐसा मैंने सुना है। मैंने आपको नहीं सुना, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। एक बार जरा तालियां बजा दे सीवान, तो हिमांशी शुरू हो जाए और एक गजल उनसे तरन्नुम में सुनी जाए। हालांकि भाई ने झूठ बहुत अच्छा बोला है, डॉक्टर साहब की मतलब सलाह उन्होंने दी कि मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो आप संभाल लें, बस आप ही संभाल लें जी। ये देखें, आप बीती कोई समझे तो बताऊं मैं भी, आप बीती कोई समझे तो बताऊं मैं भी, मुझको सुनना कोई चाहे तो सुनाऊं। वाह वाह वाह।
मुझको सुनना कोई चाहे तो सुनाऊं मैं भी। क्या कहना, वाह। मेरी आंखें ही सहारा नहीं देती वरना, मेरी आंखें ही सहारा नहीं देती वरना, मेरी आंखें ही सहारा नहीं देती वरना। चाहती हूँ तेरी तस्वीर बनाऊं मैं। वाह 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 वाह, हा हा हा, वाह 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 वाह। चाहती हूँ तेरी तस्वीर बनाऊं मैं भी। भाई बहुत अच्छा पढ़ रही हिमांशी, वाह वाह वाह। तू के मशरूफ है दुनिया की परेशानी में। क्या कहना, तू के मशरूफ है दुनिया की परेशानी में। तुझको किस मुंह से परेशानी बताऊं मैं भी। वाह वाह वाह, तुझको किस मुंह से परेशानी बताऊं मैं भी। देखो तरन्नुम तरन्नुम से पढ़ते वक्त अगर आपको घबराहट होने लगे तो तीन बार शबीना अदीब का नाम लो, घबराहट दूर हो जाएगी। शायद ये नहीं होती तो मुझको घबराहट नहीं होती। जी, आपके सामने पढ़ना बहुत। अब जुबां बोल नहीं पाती ये दुख है वरना। वाह वाह वाह, ये तो अब कुवते गोयाई नहीं है वरना। तेरी आवाज में आवाज मिलाऊं मैं भी। वाह वाह वाह, मैं वापस तहत पे आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा वही बेहतर है। एक गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगी इरशाद, और अभी से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया है। वो आएगा नुमाइश सामान देखकर, वो आएगा नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं मैं नुकसान देखकर। वो आएगा नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। वाह 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 वाह, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के। क्या कहना क्या कहना, वाह। रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स। आहा, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। वाह 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 वाह, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। वो तेरा लम्स, वो तेरे बाहों की खुशबुएं, वो तेरा लम्स, वो तेरी बाहों की खुशबुएं, वो तेरा लम्स, वो तेरी बाहों की खुशबुएं। लोटी हूँ जैसे कोई गुलिस्तान देखकर। वाह वाह वाह, और तू लाख बेवफा सही मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा है। तू लाख बेवफा सही, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। हिमांशी बावरा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये बात कहने का कलेजा एक हिंदुस्तानी औरत में ही हो सकता है।
इसके अलावा ये जज्बा कहीं दुनिया के किसी मुल्क के खातून में नहीं मिल सकता है। आपको इसके लिए मुबारकबाद। तलाक बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर, जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है। ओहो, जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है। जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे। वाह 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 वाह। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे, निकल सकता नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे, निकल सकता नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, कदम बढ़ते नहीं लेकिन मुरादाबाद से आगे। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, कदम बढ़ते नहीं लेकिन मुरादाबाद से आगे। मुझे तो तेरी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती। वाह। मुझे तो तेरी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती, कि मैंने वो भी देखा है जो है बर्बाद से आगे। वाह 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 वाह। और जहां जाऊं मेरा गम साथ जाएगा मेरे यूं ही, जहां जाऊं मेरा गम साथ जाएगा मेरे यूं ही, निकल पाया है क्या कोई कभी औलाद से आगे। वाह 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 वाह। रहमान जी मुरादाबाद से आगे फिर पढ़ दो। ये इसमें फिरोजाबाद से आगे भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। जी जी पढ़ो पढ़ो। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे, निकल सकता नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, कदम बढ़ते नहीं लेकिन फिरोजाबाद से आगे। और कुछ पढ़ना है? भाई देखिए, अब आपको यकीन हो गया होगा, आपको यकीन हो गया होगा कि आधार कार्ड मेरा लगा है, असल में निजामत अमजद भाई कर रहे हैं। आजो आजो आजो, बुलाऊं? हाँ तो बुला लेता हूं। जी अब आप बुला रहे हैं, बंदा क्या पढ़े, अपनी मर्जी से पढ़ दूं? इस तरह मुझको किसी दिल में जगह दी गई है, इस तरह मुझको किसी दिल में जगह दी गई है, जैसे बच्ची कोई कोठे पे बिठा दी गई है। वाह वाह वाह। इस तरह मुझको किसी दिल में जगह दी गई है, जैसे बच्ची कोई कोठे पे बिठा दी गई है। कोई बात नहीं, वो किसी और से मंसूब हुई है ऐसे, वो किसी और से मंसूब हुई है ऐसे, जैसे बेवा कोई डोली में बिठा दी गई है। वाह 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 वाह। वो किसी और से मंसूब हुई है ऐसे, जैसे बेवा कोई डोली में बिठा दी गई है। वाह वाह वाह। बस तेरी याद ही बाकी थी मेरे हाथों में। हा हा वाह।
बस तेरी याद ही बाकी थी मेरे हाथों में, अब तेरी याद भी हाथों से गवा दी गई है। वाह वाह वाह। और जहन किरदार से तब्दील हुआ लोगों का, क्या कहना, जहन किरदार से तब्दील हुआ लोगों का, बस इसी जुर्म की कातिब को सजा दी गई है। वाह वाह वाह। और देखें कि रस्म आवारगी सौगात नहीं होती है, रस्म आवारगी सौगात नहीं होती है, रस्म आवारगी सौगात नहीं होती है, मेरी सहरा से मुलाकात नहीं होती है। वाह। आवारगी सौगात नहीं होती है, मेरी सहरा से मुलाकात नहीं होती है, बस सवालात के देता है जवाबात मुझे, बस सवालात के देता है जवाबात मुझे, बात होती है मगर बात नहीं होती है, बस सवालात के देता है जवाबात मुझे, बात होती है मगर बात नहीं होती है, अपनी हसरत का गला घोट लिया है मैंने, अपनी हसरत का गला घोट लिया है मैंने, अपनी हसरत का गला घोट लिया है मैंने, अब दिलासों से मुलाकात नहीं होती है। वाह वाह वाह। अपनी हसरत का गला घोट लिया है मैंने, अब दिलासों से मुलाकात नहीं होती है, मैंने सोचा न था दुनिया से कहूँगा ये भी, मैंने सोचा न था दुनिया से कहूँगा ये भी, आजकल तुझसे मेरी बात नहीं होती है। वाह वाह। मैंने सोचा न था दुनिया से कहूँगा ये भी, आजकल तुझसे मेरी बात नहीं होती है, ये तो बादल है जो रास्ते से भटक जाता है, ये तो बादल है, ये तो बादल है जो रास्ते से भटक जाता है, वरना सहराओं में बरसात नहीं होती है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अमजद भाई क्या करना है बताइए, जाने थे? नहीं, मैं असल में देखे, मैंने कहा मैं फिर उठक बैठक करूं, उससे बढ़िया वहीं बैठे बैठे पूछ लूं। खैर, हिमांशी बावरा ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, बस सवालात के जवाबात, बात होती है मगर बात नहीं होती है। हिमांशी बावरा जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। हजरत गिरामी, ये खातून के जज्बात और एहसास हैं जिनकी तर्जुमानी हिमांशी बावरा अपने कलाम में कर रही थी।